ध्यान रखना। हमारे लांसिंग को जो कहते हैं कि लांसिंग का जानता ना है सोनू, आज लांसिंग ने एक ऐसी बात पूछी कि शास्त्री जी बताओ जी जात कहां से आया। लेकिन सुनो, जिसे तुम जाति माने बैठे हो वो जात नहीं है। जात केवल एक है, वो है मानव जाति। मानव जाति सत्य बताना, जन्म लेकर जब भगवान के यहां से आया शरीर, तो क्या हिंदू और मुसलमान में अंतर आया? उसे बनाया कब? यहां जन्म लेने के बाद। अरे जन्मते ही क्यों नहीं आया? जाति है केवल मानव जाति, और जिसे आप जाति समझे हैं वो है वर्ण व्यवस्था। हमारे घर में चार आदमी हुए। अब जैसे यहां आश्रम पे बोरे जी निकलते हैं हम, और शास्त्री मंडल में लड़का है 10, तो बोरे जी को काम है आटो सब्जी तेल घी मिर्च मसालो यहां पहुंचानो, समझिए बात। तो भगवान का काम है वहां से मानव जाति को भेजना। अब यहां पे इन लड़कों की व्यवस्था क्या है? सफाई को काम काऊ और पे, आटो मारवे को काऊ और पे, सब्जी बनावे को काऊ और पे, और बर्तन धोवे को काऊ और पे। तो जी व्यवस्था तो हमने खुद बनाई है ना भाई, तो वो हमारे तुम्हारे समाज ने इस वर्ण व्यवस्था को बना दिया कि तू इस काम को करेगा, तू इसे करेगा, तू इसे करेगा, तू इसे करेगा। जाति केवल मानव जाति है और कोई जाति नहीं, केवल मानव जाति है भगवान के यहां से। ये हमारे तुम्हारे समाज को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था है बस, और कुछ नहीं। अब व्यवस्था ही का है जी, हमारे यहां को गंजी चांद को है वो देखो तुम टोपी लगाए, तो ये बृहस्पत नाथ महात्मा बैठेगा इनने बात समझौता बना हुआ है। ओहमत कही शास्त्री जाए छोड़ जाइयो, मैं जाओ का करो जी, तो वैसे वहां पर है कि न जाए छोड़ जाइयो, हम और जे साजे में एक ब्याह कर लेंगे, सो पाई रोटी करवा करेंगे। तो इन महात्मा जी को बाप समझौता जाई के लिए वो है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में पोथी पुस्तक पढ़त में बोरे जी, और पंडित हुआ न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। वो ढाई अक्षर कौन सा है? वो ये प्यार, बस एक दूसरे से प्यार करते रहो। समाज में किसी से द्वेष भावना मानो मत, भगवान उसी घर राजी होता है। तो आज जिस समय रानी ने कहा कि महाराज आ जाओ, रोक ले पानी पी लो, और जा घर में भीतर जी देख लो कि मैंने 12 साल काटी कैसे। अब राजा के पांव कांप रहे हैं कि कौन देख ले तो भजिए तो पड़े हो। तो रानी कह रही है भीतर से हाथ जोड़, अरे करज और उरे पिया, करज और उरे पिया, रूपो रजनी, करज और उरे पिया, रूपो रजनी, करज और उरे पिया, रूपो रजनी, रूपो सौती कोई अधिक सतावे, एक शेर तो भी जवाबे, एक शेर तो भी जवाबे, ताहू में नहीं नमक मिलावे, ताहू में नहीं नमक मिलावे, कर जोरों रे पिया, रुको रजनी, कर
जोरों रे पिया पूजा पाठ होन नहीं पावे पूजा पाठ होन नहीं पावे घर में औषधि कोई नहीं आवे घर में औषधि कोई ध्यान रखना महाराज को रानी लेवा ले तीन भाग रात के व्यतीत हुए तीन और जो चौथा भाग लगा रात का छोटी रानी की आंख खुल गई। तो कोई दासी महाराज लौटे ना है भैया कहूं ना लौटे तो लकवार खोल और तलवार तार खूटी से मैं अयोध्या के चौराहे पे ये पता करने जा रही हूं कि कोई मेरे पति से पीछे आतंक तो नहीं हुआ नगर में। मैं रानी हूं, मैं छत्राणी हूं, मेरा धर्म है। तो इतते तो रानी चली है और उतर राजा ने कही अम्मो जान दे सवेरो है विवाह है बिल्कुल। तो उतते राजा घोड़ा की बाग पकड़ के और निकल के चले और जा चौराहे पे घोड़ा की आवाज भाई सुम की। सर रानी ने की कौन राजा की नबज द्वांग सरक गई का मालिम पत्ते बच्चे छोटी रानी की आवाज है तो तक तो सामने आ गई कहां आया जा टाइम महारानी तुम्हें मालूम नहीं हम जंगल में शिकार खेलने गए सुने के ज्यादा दूर निकल गए अबे रह गई। अच्छा तो तुम जंगल पे आए हो कि हाँ अब देखो जी घोड़ा थक गए और हम थक रहे हैं चलो घर को चल जाओ। सो छोटी वाली रानी चतुराई चालाक कुमार पाल बोल रही मोसी बार जवान उतर के चार कदम धरे सो घोड़ा पीठ पे हाथ तब बोली है क्या अरे प्यारे बचन सुनो सैया मेरो कांपे अचकत सीना घोड़ा जंगल ते आओ है और तुम जंगल ते आयो तो सुनो अरे जो पति घोड़ा जी बनसिया तो जकी हो तो पीठ पसी महाराज अगर जी घोड़ा जंगल त्या तो जाए पीठ पे पसीना ना हो तो राजा ने की बच्चों बात पकड़ी जाएगा बता मेमा देखो और जाए तो तुम जानते ही हो कि नेक गलत काम बन जा तुका तो आदमी पे धरती कुरे दो तुम उठाते और रानी कह रही है आंख ते आंख मिला सोता बंधु जीवन में एक बात ध्यान रखना नौजवान बच्चे हो बिटियाएं माताएं बहनें सब ए का करो तुम लीडर हाथ करेंगे सही की जीव सुनो तुम्हारे हमारे शरीर में हाथ कह दें दो पैर कान आंख और जीव क्यों
पैरों द्वाद हाथों द्वाद आंखों द्वाद कानों द्वाद और जी बताइए एक भगवान ये कह रहा है कि बढ़िया धर्म की जगह को चल ले दो पांचते एक डिफीट खा जाए तो दूसरे तो चल ले। अच्छे काम के लिए दोनों हाथों से कर ले अगर एक संग न दे तो दूसरे से कर ले। अच्छे भगवान के दर्शन को दोनों नेत्रों से कर ले अगर एक जवाब न दे तो दूसरे से कर ले। बढ़िया शब्द उच्चारण कथा के भागवत के सत्संग के दोनों कानन से सुन ले एक लंग की मशीन बंद है जाए तो एक लंग से सुन ले। चल बढ़िया ले दान बढ़िया कर ले देख बढ़िया ले सुन बढ़िया ले पर बोल कम ले ताके न दे जीव एक हा? और सही बात जो और चीज हथका इन पे काम कम ले रहे अबे और जीव पे ती ज्यादा ले रहे हैं। बत्तीस दांतन ने कही बोरे जी या जीवते कि बत्तीसन के बीच में हो समय रही है नेक टेढ़ी चलेगी तो कतर देंगे। जीवन की कह ले हाँ कि तुम मेरी भी तो सुन ले तुम तो बत्तीस हो मैं उकेली और मैं नेक उल्टी चली गई तो बत्तीस उल्टी करवा दूंगी निकलवा देते ना निकलवा देते हाँ तो ध्यान रखना बोलना कम चाहिए। आज महाराज कह रहे हैं कि देखो हम जंगल से आए तुम्हें मालूम ना है तो महारानी बोली ऐसे नहीं मानूंगी तो क्या बोली है महाराज तुम झूठ बोल रहे हो और चाहे तो जानते ही हो सब झूठ के पांव बहुत कम होते हैं कितने मजबूत आई तो बोलो लेकिन वो छिपेगा नहीं आ जाएगा सामने। रानी कह रही तुम जंगल से आया हाँ बिल्कुल ना तुम बोल ना रहे और नीचे कुछ तह रहे हो धरती माओ तो तात एक संकेत है रो कौन सा अरे तात पिया मोई ऐसी लगे या जो सोती भवन ते आए हो गुरुदेव सामने कितने बेबस भए तो ताते मुझे बताते हैं नौजवान बच्चे सब सुन लो जिनके ब्याह ना है भाई सो अगर तुम्हारी कोई शादी वा जी कहे जा गांव में कि हम अपनी घरवाई से डरपत ना है बिल्कुल झूठ सफेद झूठ बोल रहा है वो अंतर कितनो है कि काऊ की तो चौखट के भीतर है और काऊ की चौखट के बाहर है। जो चतुर होते हैं बुद्धिमान होते हैं घरवाई से लड़ाई है या तो चौखट के भीतर लड़ता के बाहर बंद करके और बाजे के पेच ढीले सुबह घरवाई के हाथ में तो धनकुटा मिलते तो बिना के हाथ में लठिया मिलता तो खरंजा पे बजते भयभीत समय इतने बड़े सम्राट है सो आज एक नारी के सामने क्या बोले अरे सो
सोच समझ के सभ्यता है बोहरे जी केवल हमारे ही भारत में। नारी का जो सम्मान होता है वहां समस्त देवता बास करते हैं, ऐसा विदेशों में नहीं है। बहन जी इस बात को ध्यान कर लो कि इस समाज का जो सम्मान